नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज के इस वीडियो में यूपी लेखपाल एग्ज़ाम के लिए हम लोग करेंगे एक्सपेक्टेड पेपर, जिसमें हम लोग इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को देखने वाले हैं जो आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से एक बात कहना चाहूँगा कि जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पास में जो बेल आइकन होता है उसको भी ज़रूर दबा लें। चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस देखिए, आज के सेशन में पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द का सही स्त्रीलिंग शब्द है। तो सबसे पहले हिंदी के क्वेश्चन करेंगे, जैसे कि आपका दिया गया शब्द है राजपूत, इसका स्त्रीलिंग शब्द क्या होगा? इसका होगा ऑप्शन ए राजपूतानी। क्या होगा? राजपूतानी। नीचे दिए गए शब्द का सही बहुवचन रूप वाला विकल्प पहचानिए, जैसे कि तलवार का बहुवचन बताना है तो क्या होगा? ऑप्शन ए तलवारें। क्या होगा? तलवारें। ह्रस्व व दीर्घ इनमें से किसके प्रकार हैं? तो ये हैं स्वर के। सर्वनाम वाले वाक्यों में लिंग का पता किससे चलता है? तो ऑप्शन ए क्रिया से पता चलता है। जायसी द्वारा रचित प्रसिद्ध जो रचना है वो कौन सी है? तो ये है ऑप्शन ए पद्मावत। कौन सा है? पद्मावत। नीचे दी गई रचनाएं किस कवि की हैं, जैसे चिदंबरा, उत्तरा, कला और बूढ़ा चांद पल्लव, तो ये किसकी रचनाएं हैं? तो ये हैं ऑप्शन ए सुमित्रा नंदन पंत की। निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो अशुद्ध वाक्य के शुद्ध रूप का सबसे अच्छा विकल्प है, जैसे मैंने गांव जाना है, इसका सही रूप क्या होगा? ऑप्शन बी मुझे गांव जाना है। निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे का सही अर्थ वाला विकल्प है, जैसे कि मुहावरा आपका है लोहा मानना, इसका सही रूप क्या होगा? मुहावरे का अर्थ क्या होगा? ऑप्शन बी प्रभाव मानना। रसों का राजा किस रस को माना जाता है? तो ऑप्शन बी श्रृंगार रस को। किसी के द्वारा कहे गए वचन को ज्यों का त्यों लिखने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? तो ऑप्शन बी उद्धरण चिन्ह। निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्पों में से दिए गए शब्द के सही समास वाला विकल्प पहचानिए, चंद्रशेखर, तो इसका क्या होगा? ऑप्शन ए चंद्र है शिखर पर जिसके। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्प दिए गए हैं जिनमें से उस विकल्प का चयन करें जो शब्द अथवा वाक्य का सबसे अच्छा एक शब्द विकल्प है, जैसे कि दिया हुआ जिसका उत्साह नष्ट हो गया हो, तो इसके लिए क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हतोत्साहित। निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्प दिए गए हैं जिनमें से एक शब्द दिए गए अनेकार्थी शब्द का एक अर्थ है, उस शब्द को चुनिए। जलज का अनेकार्थी शब्द क्या होगा? जलज, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी मछली। निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्प दिए गए हैं जिनमें से उस विकल्प का चयन करना है जो शब्द का सबसे अच्छा विकल्प है, पतन का क्या हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी पतन का हो जाएगा गिरना। निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो सही विकल्प है, जैसे कि उपसर्ग शब्द के खाली स्थान में लगते हैं, तो ऑप्शन बी ये लगते हैं आरंभ में, लगते हैं उपसर्ग प्रारंभ में लगते हैं। अगला है निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्प दिए गए हैं जिनमें से एक शब्द दिए गए शब्द का सही तद्भव रूप है, कपोत का क्या होगा? तो कपोत का हो जाएगा ऑप्शन बी कबूतर। निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो प्रत्यय से नहीं बना है, तो ऑप्शन डी बखूबी। निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें
जो सही संधि विच्छेद वाला विकल्प है उल्लास का क्या होगा? ऑप्शन ए उत धन लास। निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्पों में से दिए गए शब्द के विपरीत अर्थ वाला विकल्प चुनिए, संयोग का क्या होगा? ऑप्शन ए संयोग का हो जाएगा वियोग। अगला है, निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो निर्देशानुसार वाक्य परिवर्तन वाला सही विकल्प है। तो आप इस किताब को पढ़े हैं कर्मवाच्य, तो इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इस किताब को आपके द्वारा पढ़ा गया है। निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो दिए गए पद के उचित अलंकार रूप का सबसे अच्छा विकल्प है। जैसे दिया हुआ है काली घटा का घमंड घटा, तो इसमें कौन सा हो जाएगा अलंकार? ऑप्शन ए यमक अलंकार। निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्प दिए गए हैं जिनमें से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द का सही स्त्रीलिंग है। तपस्वी का स्त्रीलिंग क्या होगा? ऑप्शन ए तपस्विनी। इनमें से कौन सा ऊष्म व्यंजन है? तो ऑप्शन सी सा। दी गई जोड़ियों में कौन सी जोड़ी सही संज्ञा व उससे बनने वाले विशेषण शब्द की है? तो ऑप्शन ए पक्ष पाच्छिक। निम्नलिखित विकल्प प्रश्न में चार विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो निर्देशानुसार काल परिवर्तन वाला सही विकल्प है। बच्चों ने खेल खेला भविष्य काल, तो इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी बच्चे खेल खेलेंगे। ओके गाइस, अब हम लोग करेंगे सामान्य ज्ञान के क्वेश्चन, जिसमें पहला क्वेश्चन है बैंगनी रंग के प्रकाश की तरंग दैर्ध्य लगभग खालिस्तान होती है। ऑप्शन बी 380 से 420 NM। मक्खन खालिस्तान का उदाहरण है, तो ये उदाहरण होता है ऑप्शन सी मक्खन जो होता है पायस का उदाहरण होता है। निम्न में से किस लवड़ में क्रिस्टलन जल के 10 अणु नहीं होंगे? तो ऑप्शन डी एप्सम साल्ट। सन 1887 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो ऑप्शन सी सर विलियम मुइर ने की थी। अगला है, पहली महिला मुख्यमंत्री वर्ष 1963 में नियुक्त की गई थी उन्होंने किस भारतीय राज्य सरकार का नेतृत्व किया था? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश। उत्तराखंड किस वर्ष अस्तित्व में आया था? तो ऑप्शन ए 2000 में। अगला है, वर्ष 1930 में सीवी रमन ने खालिस्तान के लिए नोबेल पुरस्कार जीता था। ऑप्शन सी भौतिक शास्त्र। रक्त समूह प्रणाली की खोज खालिस्तान ने की थी? तो ऑप्शन डी कार्ल लैंड स्टीनर। तमिलनाडु और श्रीलंका के मन्नार जिले के बीच मौजूद जल संधि को खालिस्तान कहा जाता है? तो ऑप्शन बी पाक जल डमरू मध्य। खालिस्तान पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष थी? तो ऑप्शन बी मीरा कुमार। स्वतंत्रता संग्राम 1857 का सिपाही विद्रोह किस शहर में हुआ था? तो ऑप्शन डी मेरठ में हुआ था। पारंपरिक अल्पाहार खांड भी किस भारतीय राज्य से संबंधित है? तो ऑप्शन ए गुजरात। भारत के पहले हिंदी भाषा के अखबार का नाम बताएं जिसे पहली बार 30 मई 1826 को प्रकाशित किया गया था? तो उदंत मार्तंड, ऑप्शन बी। फरवरी 1948 में भारतीय संविधान के प्रारंभिक मसौदे को किसने तैयार किया था? तो बेनेगल नरसिंह राव। लावड़ी किस भारतीय राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो ऑप्शन बी महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह कौन सा अंतिम वर्ष था जब भारत में रेल बजट और केंद्रीय बजट अलग अलग प्रस्तुत किया गया था?
तो ऑप्शन ए 2016। 1773 से 1785 ईस्वी तक वस्तुतः भारत में कंपनी के अधीन पहले गवर्नर जनरल कौन थे? ऑप्शन ए वॉरेन हेस्टिंग्स। निवेश जानकारी और क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ICRA का मुख्यालय खालिस्तान में है? तो ऑप्शन सी गुरुग्राम में है। कहाँ पर है? गुरुग्राम। स्वतंत्र भारत के पहले रक्षा मंत्री खालिस्तान थे? ऑप्शन सी बलदेव सिंह। सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा स्टैचू ऑफ यूनिटी किस नदी पर स्थित एक द्वीप पर है? तो ऑप्शन ए नर्मदा नदी। पुष्प के किस भाग में पराग का उत्पादन होता है? तो पराग कोष। कौन सा जीवाणु अंडाकार या गोलाकार होता है? तो ऑप्शन बी कोकस। कौन सा साहित्य संगम साहित्य के रूप में प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए तमिल साहित्य। भारत का कौन सा राज्य ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के पक्ष में सरकारी नौकरियों को आरक्षित करने वाला पहला राज्य बन गया है? तो ऑप्शन ए कर्नाटक। भारत के पहले भूकंप पूर्व चेतावनी मोबाइल एप्लीकेशन भूकंप अलर्ट का अनावरण किस राज्य में किया गया है? तो ऑप्शन बी उत्तराखंड। अब हम लोग करेंगे ग्रामीण परिवेश के क्वेश्चन, जिसमें पहला क्वेश्चन है, ग्रामीण समाज से संबंधित निम्न कथनों में से सही को चिन्हित कीजिए। तो ऑप्शन डी एक सामाजिक समूह या वर्ग से निरंतर बदलाव नहीं होता है। अगला है, निम्नलिखित में से किससे नगरीकरण की प्रक्रिया जुड़ी हुई है? तो इसका क्या हो जाएगा? 76 का मैंने क्या बताया आपको? डी। अब 77 का हो जाएगा डी, जिसमें तीनों सही है। पहला है, ग्रामीण क्षेत्र से नगरीय क्षेत्रों की जनसंख्या का स्थानांतरण, नगरीय केंद्रों की संख्या में वृद्धि, नगरों में स्वाभाविक रूप से जनसंख्या वृद्धि। असत्य कथन की पहचान कीजिए। तो ऑप्शन डी आपका गलत हो जाएगा, बाकी के तीन सही हो जाएंगे, जिसमें पहला है, सर्वेक्षण का उद्देश्य समाज सुधार एवं कल्याण होता है, और बी है, सर्वेक्षण में उपकल्पना की आवश्यकता नहीं होती, और सी है, सर्वेक्षण व्यावसायिक एवं पेशेवर भी होते हैं। निम्नलिखित में कौन सा अनुसूची का प्रकार है? तो ऑप्शन डी सभी, अवलोकन अनुसूची, प्रलेख सूची, मूल्यांकन अनुसूची। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकनायक जयप्रकाश नारायण की जयंती पर सांसद आदर्श ग्राम योजना की शुरुआत कब की? तो ऑप्शन ए 2014 में। ग्रामीण विकास से आशय होता है? ऑप्शन डी सर्वांगीण विकास। नेशनल हेल्थ प्रोफाइल 2019 रिपोर्ट के अनुसार भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में कितने सरकारी अस्पताल हैं? तो ऑप्शन बी 21,403। देश में कार्यबल की कुल संख्या का लगभग कितने प्रतिशत लोग असंगठित क्षेत्र में कार्य करते हैं? तो ऑप्शन सी 93%। भारतीय समाज को माना जाता है? तो ऑप्शन बी कृषक समाज। भारत के किस राज्य में अनुसूचित जनजातियों की संख्या सर्वाधिक है? तो ऑप्शन ए मध्य प्रदेश। देश में स्थापित कृषि उद्योग निगम के मुख्य कार्य क्या हैं? सभी, कृषि उपकरणों की आपूर्ति करना, अनाज प्रसंस्करण और भंडारण करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरित क्रांति के पश्चात भारतीय कृषि में क्या सुधार हुआ? तो ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। पहला है, प्रति हेक्टेयर उत्पादकता वृद्धि, व्यावसायिक कृषि को बढ़ावा, खाद्यान्नों में आत्मनिर्भरता। निम्नलिखित में से कौन सा भूमि सुधार से संबंधित है? ऑप्शन बी भूदान आंदोलन। निम्नलिखित में से कौन सा भूमि सुधार है, कूट के माध्यम से बताना है।
ऑप्शन डी सभी हैं। मध्यस्थतों का उन्मूलन, काश्तकारी सुधार, भूजोत की अधिकतम सीमा का निर्धारण, भूमिहीनों को कृषि योग्य भूमि का वितरण और चकबंदी। प्रत्येक गांव की सारी जानकारी का मानचित्र होता है तो पटवारी के पास। उत्तर प्रदेश में भू क्षेत्रफल मापन की सबसे छोटी इकाई कौन सी है तो बिस्वांसी। सहजहानी जरीब की कुल लंबाई कितनी होती है? ऑप्शन सी 165 फीट होती है। पंचायती राज के कार्य क्षेत्र में नहीं आता है तो अग्निशमन। पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम कहाँ और कब लागू की गई तो राजस्थान में की गई अक्टूबर 1959 में। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के अर्थ एवं संख्या विभाग द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2018-19 में राज्य की प्रति व्यक्ति आय कितनी पाई गई है? तो ऑप्शन बी 66,512 रुपये। निम्न में से कौन सा उत्तर प्रदेश का पारंपरिक उद्योग है? तो ऑप्शन डी ये सभी, चीनी उद्योग, सीमेंट उद्योग और सूती कपड़ा उद्योग। निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूचित जनजाति बिजनौर जिले में निवास करती है? तो बुक्सा। ब्रिटिश शासन में कृषि विभाग की स्थापना कब की गई तो वर्ष 1875। बाराबंकी किस खेती के लिए प्रसिद्ध है तो अफीम। और आज का लास्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश कृषि निर्यात नीति 2019 का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो उपरोक्त सभी। पहला है किसानों की आय में वृद्धि करना, कृषि क्षेत्र में निर्यात को बढ़ाना, अंतर्राष्ट्रीय बाजार का आकलन करना। तो गाइस आज के इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।